प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को राजधानी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस TACTIN वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई। इस ट्रेन का किराया शताब्दी एक्सप्रेस से 25% अधिक होगा। हालांकि इस एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। इस हाई स्पीड ट्रेन में चेयर कार व एजुकेटिव क्लास होंगे। ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित बनाई गई है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि स्टेशनों पर पहुंचने के पश्चात ही दरवाजा खुल सकेगा। वहीं ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने पर रेलवे के GM TN सिंह के अलावा सभी अधिकारियों ने ट्रेन का स्वागत किया। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, देखने वालों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने तो ट्रेन के अंदर जाकर अपनी सेल्फी भी ली। जय सिंह जी, जो गाड़ी आई है, किस तरह की ट्रेन है, क्या लगता है? ऐसी ही सब ट्रेनें हो जाएं और समय का थोड़ा पाबंद रखें। तो कितने देर में पहुंचाएगी? क्या ये पता चला कि डेढ़ घंटे के अंदर सवा से इलाहाबाद तक कहाँ तक जा रही है, कुछ जानकारी है? अभी तो इलाहाबाद तक टेस्टिंग में जा रही है। अच्छा, आगे वाराणसी से दिल्ली तक जाएगी। तो इस समय कैसा लग रहा है, आप बैठे हैं? अच्छा लग रहा है। अब पहली बार इंडिया में इस तरह की कोई उपलब्धि हुई है, जो कि काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या मानते हैं सरकार? सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। केवल एक चीज है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेन एकदम विदेशों के टक्कर की बनाई गई है, जिससे कि भारत का इतिहास बदल देगा। और यहाँ हर चीज निर्मित है, इसका बाहर से कुछ नहीं आया, इसलिए ज्यादा अच्छा है। क्या टिकट वगैरह क्या है इसका? टिकट का तो हमको नहीं पता है अभी। आज मतलब उसे आज तो ऐसा ही जो है चला जाएगा, देखा जाएगा। सबसे गाड़ी है और ये विदेशों से भी, आप विदेश में यूरोपियन देशों में जो भी मॉडर्न ट्रेन है उनसे कंपैरिजन कर सकते हो। और इस ट्रेन में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, और क्योंकि ये सबसे पहले आपके बनारस में आ रही है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी पूरी कदर करिए। और मैं चाहता हूँ कि इसको एक हमारे देश का एक चिन्ह बना के चले कि बनारस में ऐसी ट्रेन आ रही है। 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। क्या इसके लिए ट्रैक तैयार है? अभी देखिए, ट्रैक तो तैयार है और कई सारी सुविधाएं इसके लिए चाहिए। 130 के ऊपर जाने के लिए सारा बैरिकेडिंग होना चाहिए। बैरिकेडिंग अभी चल रही है सब जगह पूरे देश में। कई जगह जैसे हमारा दिल्ली से आगरा वाला जो रूट है उसमें 160 की स्पीड पर चल रही है, लेकिन और कोई रूट में अभी 160 का नहीं चल रहा है। धीरे धीरे उसमें हो जाएगा। पर हमारी रोलिंग स्टॉक जो हम बनाते हैं अगले 25 साल के लिए बनाते हैं, उसकी लाइफ 25 साल होती है। तो हम अगर आज रोलिंग स्टॉक बनाएंगे तो उसको ये नहीं बनाएंगे कि हम 110 तक ही बनाए हैं, इसीलिए उसको हमने 180 की स्पीड के लिए बनाया है, लेकिन उसको क्लियर अभी 160। सर,